जेपी शर्मा एक्स मैनेजर मैट्री फार्म इस मंच के ऊपर आए हैं और आने की जरूरत पड़ी है वो ये है कि यहाँ सरकार की आंख नाक कान जो कुछ भी है सब कुछ सरकार का यही है। उसका कारण कि ये जितनी एजेंसियां यहाँ काम करती हैं ये शरीर के गले के ऊपर का हिस्सा है, कान है, आंख है, मुंह है। तो मेरी इन एजेंसियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बात यहाँ हमारी बात सरकार तक इस तरीके से पहुँचाएँ कि महसूस हो कि वाकई यहाँ लोगों में कोई ना कोई तकलीफ है जिस वजह से लोग दुनिया से सारे हिंदुस्तान के इकट्ठे होके आए हैं। और डिपार्टमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार किसी भी काम को करने के लिए उसकी बहुत पहले से प्लानिंग कर लेती है। कोई अगर पुल बनाना है तो उसकी एक पहले नेसेसिटी अप्रूव होती है, नेसेसिटी अप्रूव होने के बाद में उसकी फंड अलॉटमेंट होती है, फिर फंड अलॉटमेंट के बाद में उसकी कॉन्ट्रैक्टर जो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तब जाके काम शुरू होता है। तो ये प्लानिंग बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए जितनी जल्दबाजी की जा रही है, गायों के बारे में बता दिया वहाँ भेज दीजिए वहाँ भेज दीजिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यहाँ आने का मकसद एक ये भी है कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो आदमी इससे जुड़े हुए हैं इतने इतने सालों से, उनका परिवार, उनका सब कुछ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-30, 40-40 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर गुजार दिए हैं, आज वो इस स्थिति में नहीं है कि दूसरी जगह जाके कहीं काम कर सकें। उनके बच्चे सब इस स्थिति में हैं कि आज अगर आप जिसने 40 साल यहाँ काम कर लिया है क्या आप सोचते हैं कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर के कोई काम कर सकता है? लेकिन इस विषय के ऊपर भी सरकार का कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। जो आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है, मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया, मेरे पिताजी किया करते थे, मेरे और पिताजी की मिला के अगर दोनों की नौकरी देखी जाए तो 60 साल हो जाती है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आज की डेट में हमारा मिलिट्री फार्म जिस डिपार्टमेंट जिस काम के साथ जुड़ा हुआ था वो बहुत ही रेयर है। जानवरों की ब्रीड को तैयार करना, दूध पैदा करना जो सवेरे किचन से शुरू होता है और रात के सोने तक पहली चाय भी वहीं दूध से पीता है और सोते समय एक कप दूध का भी पीता है, जागने से लेकर के सोने तक उसका सारा काम दूध से शुरू होता है। अगर डिपार्टमेंट ने इसको चलाना है तो उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। घर में बच्चा अगर बिगड़ जाता है, कोई गलत काम करता है तो उसको ये नहीं है कि बच्चे को काट देते हैं या बच्चे को घर से निकाल देते हैं, उसको कहते हैं बेटा अपने आप में सुधार लाओ, ठीक करो, उसको मौका दो। अगर कहीं कोई हमारे रिप्रेजेंटेशन में कोई गलती थी तो डिपार्टमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उसे मौका दे कि भाई इसे सुधारो। इतना बढ़िया डिपार्टमेंट है, कुत्ते बिल्ली आजकल डेट में सारे पालते हैं। सवेरे आदमी कुत्ता लेके जाता है, बिल्ली पाली हुई है घर में, दूध सबको अच्छा चाहिए, गाय कोई नहीं पालता, दूध सुबह सबको अच्छा चाहिए। हर आदमी क्रिटिसाइज करेगा जिसको दूध के बारे में ABCD भी नहीं पता, वो भी कहता है कि मेरे को अच्छा दूध चाहिए। लेकिन पालोगे जब तो मिलेगा, अगर दूध पाल रखोगे ही नहीं, जानवर ही नहीं रखोगे, उसकी सेवा ही नहीं करोगे तो अच्छा दूध कहाँ से आ जाएगा? तो यही एक ऐसा डिपार्टमेंट था, आर्मी यूनिट के अंदर भी मिलिट्री फार्म ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैदा करके दूध पे देता था। MES ने कोई बिजली तैयार करी है? सिर्फ ट्रेडिंग करता है, स्टेट गवर्नमेंट से बिजली लेता है, अपने पैसे लगा करके दूसरों को बेच देता है, सप्लाई डिपो बाहर से राशन लेता है, पैदा नहीं करता है। बता दीजिए किसी सप्लाई डिपो ने 4 गेहूं की बोरियां पैदा करी हो। लेकिन मिलिट्री फार्म एक ऐसा डिपार्टमेंट, अगर 25,000 जानवर है तो उनका चारा पैदा करना, उनकी सेवा करना, जानवर के साथ में जानवर बनना, सवेरे 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक
जिनका काम खत्म हो जाता थे 11 बजे के बाद सवेरे 4 बजे तक का, दूसरा का काम शुरू हो जाता है। राउंड द क्लॉक ये काम है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो 24 आवर्स, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसके अंदर किसी को 4 घंटे की रेस्ट ना हो, लेकिन मिल्ट्री फार्म के अंदर नहीं है। क्योंकि मेरे से ज्यादा जो आप लोग काम करते हैं उनको ज्यादा पता है। दुहान का काम अगर 4 बजे 6 बजे शुरू होना है तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम ये सारी बातें अगर हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं वो अगर सरकार तक रखने में नाकामयाब रहे हैं तो आज ये नौबत आई है कि हम लोगों को यहाँ आकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है कि आप लोग सब यहाँ आए हैं अपनी बात रखने के लिए। और हम चाहते हैं कि ये बात अच्छे तरीके से सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे ताकि कुछ ना कुछ इसका हल निकल सके। गायों का डिस्पोजल हो गया है, लेकिन जो लेबर इसके साथ में कनेक्टेड है, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में सोचे। डिपार्टमेंट का किसी को चलाना किसको नहीं चलाना किसको रखना नहीं रखना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में आता है, उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। लेकिन लोग अपनी बात तो रख सकते हैं कि जी हमारा क्या हुआ, अपनी बात रखने हर किसी को हक है। तो मैं ये आप लोगों से भी शुक्रगुजार हैं कि नंदू जी ने ये सारे इसको ऑर्गेनाइज किया और आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं, अपना समय निकाला और एक यूनिट होके एक यूनाइट होकर के अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप चालू रखेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। एक समय था जब लोग कहते थे कि जी बोनस मिलेगा, शायद आप लोगों के से बहुत से आदमी हैं जब कहते थे कि बोनस मिलेगा, लोग कहते थे मजाक कर रहे हैं ये लोग, कभी डिफेंस वालों को बोनस मिला है, ये बात होती थी। लेकिन वो मिला, चाहे जितना भी मिला लेकिन मिला। लोग अपनी बात रखेंगे तो बात पहुंचेगी, अगर बात ही नहीं रखेंगे बोलेंगे नहीं। माँ को बच्चा बहुत प्यारा होता है लेकिन बिना रोए वो भी दूध नहीं देती उसको। बच्चा रोता तब पता लगता है उसको, छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, रोता है तब जाके दूध पिलाती है उसको कि हाँ बच्चे को भूख लगी है रो रहा है। तो हमारा यहाँ आना रोना है, सरकार तक अपनी बात पहुँचाना है। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और बाकी आदमियों को कहता हूँ कि डिपार्टमेंट के बारे में जो भी सोचना है अच्छा ही सोचिए और उसका नतीजा जरूर निकलेगा। धन्यवाद।